हेलो दोस्तों, मैं हूं रवि। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपने दांत सफेद कैसे किया जाए, दांतों में से पीलापन को दूर कैसे किया जाए। दोस्तों, घरेलू उपचार में थोड़ा टाइम लगता है। आप किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, 2 घंटे में आपका दांत को क्लीनिंग करके दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं घरेलू उपाय से। घरेलू उपाय में आपको कम से कम 15 से 20 दिन का समय देना पड़ेगा। 3 तरीके बताऊंगा और 3 तरीकों को आपको रोज करना है, प्रतिदिन करना है, और कम से कम 15 दिन तो आपको करना ही होगा। उसके बाद ही जाकर के आपके दांतों के पीलापन खत्म हो गया है। दोस्तों, ज्यादा अधिक है तो आपको महीने दिन भी लग सकता है, लेकिन महीने दिन के अंदर में आपका बिल्कुल दांत सफेद हो जाएंगे। सबसे पहला उपाय हमारे साथ शेयर करना चाहूंगा, नींबू और सेंधा नमक दोनों का मिश्रण बहुत ही कारगर होता है दांतों को साफ करने। नींबू और सेंधा नमक को आप साथ में मिला ले, को आप सुबह सुबह जब आप सो करके उठते हैं उस समय इसको अपने दांतों के ऊपर मालिश करें प्रतिदिन। दोस्तों, आप इतना करें, ये था पहला उपाय। ऐसा हर दिन करें और फिर अपना मुंह धो लें। दूसरा उपाय की बात करता हूं दोस्तों, सौंफ के बारे में आप लोग तो जानते ही होंगे। सौंफ हमारे मुंह के लिए, हमारे दांतों के लिए, मसूड़ों के लिए कितने फायदेमंद है। बहुत सारे गुण इसमें पाए जाते हैं जो हमारे मुंह और पाचन संबंधी समस्याओं को ठीक करता है। सौंफ का बीज को निकालना है, उसको मिक्सिंग में पीस लीजिए। पीसने के बाद उसको दांतों के ऊपर लगाएं, अपने उंगली से दांतों के ऊपर उसे रगड़ें। ऐसा करने से आपका दांत सफेद और मजबूत होगा। बहुत मदद करता है दांत को सफेद करने में और मजबूत बनाने में सौंफ। और तीसरा उपाय है नारियल तेल। नारियल तेल दांतों पर रगड़ने से भी दांतों का पीलापन कम होता है। इसे रोज अपने दांतों पर लगाएं और रगड़ें, इसका नियमित आदत डालें। ऐसा करने के लिए आपको आदत डालना होगा। दोस्तों, ये 3 उपाय आप डेली करना है यदि आपको घरेलू उपचार से ठीक होना है। ये आपको 3 उपाय रोज करना है। कैसे करेंगे आप, तो इस बारे में बता दूं मैं आपको। सुबह में सेंधा नमक और नींबू पानी करना है, दांतों के ऊपर रगड़ना है, मालिश करना है। दोपहर में आप घर से बाहर हैं तो आप नारियल तेल का इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर सौंफ को पीस करके पेपर में सौंफ को रख करके आप बाहर भी ले जा सकते हो। सौंफ या फिर नारियल का तेल, दोनों में से कोई आप इस्तेमाल करें जब आप बाहर रहे तब, और रात में खाने के बाद नारियल तेल को दांतों के ऊपर अच्छी तरह से रगड़ लें। दोस्तों, सुबह शाम तो लोग घर में ही रहते हैं और इसमें कोई ज्यादा समय लगता नहीं। नारियल का तेल लगाने में आपको कोई ज्यादा समय लगेगा नहीं। सौंफ को एक बार मिक्सिंग में पीस लेंगे और उसको दांतों के ऊपर रगड़ते रहेंगे। नींबू और नमक का मिश्रण बनाना है, उसमें आपको 10 मिनट लगेंगे। तो बड़ी आसानी से आप अपने दांतों को सफेद बना सकते हैं, चमकीला बना सकते, अपने दांत के ऊपर से पीलेपन को आसानी से खत्म कर सकते। दोस्तों, आपका कोई भी सवाल हो या फिर सुझाव हो तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। आपसे फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। हमारा यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, जरूर अपने लोगों के साथ शेयर कीजिए।